नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रतलाम मंडल के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको पर्याप्त बजट लगातार 2-3 साल से मिलता आ रहा है, लेकिन कार्य की गति अच्छी नहीं होने की वजह से जो क्षेत्र के निवासी हैं उन कार्यों की जो रफ्तार है उससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे, जिसका हमें हमारे कमेंट के माध्यम से पता चलता रहता है। लेकिन अब आने वाले समय में अच्छी गति उक्त कार्य पकड़ेंगे, ऐसी उम्मीद हमें है। और जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं उनके लिए लगातार नए नए टेंडर समय समय पर जारी हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को देते हैं। ताज़ा जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि रतलाम मंडल के विभिन्न ब्रिज के कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कि नर्मदा ब्रिज, जिसका कि आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, अब यह इतिहास बन चुका है। इसके स्टील गर्डर आदि को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण टेंडर निकाला गया है। कुल 7 ब्रिज पूरे अधिकार क्षेत्र में रतलाम मंडल के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए 77 करोड़ की लागत से जारी किया गया यह टेंडर है, जिसमें कि नर्मदा पर विशालकाय ब्रिज भी बनाया जाना है, जिसका कार्य अब फिलहाल में चालू हो चुका है और ब्रिज को एक तरफ से तोड़ने का कार्य भी बहुत तेज गति से चल रहा है। जो टेंडर निकला है उसमें जो स्टील गर्डर, ओपन वेब गर्डर वाला यहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा, 13 स्पान 61 मीटर लंबाई के उनके द्वारा एक बड़ा भारी यहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा, उसके निर्माण से संबंधित यह टेंडर जारी किया गया। ऐसे ही अन्य 6 स्थानों पर भी ब्रिज बनाने हेतु टेंडर निकाले गए हैं, जिसमें कि राव महू दोहरीकरण के कार्य के लिए भी टेंडर निकाले गए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि उक्त दोहरीकरण का कार्य मात्र 9 किलोमीटर लंबाई का है, लेकिन इंदौर से डॉक्टर अम्बेडकर नगर के महत्वपूर्ण सेक्शन में इस कार्य को शुरू होने में काफ़ी लंबा अरसा लग गया। उक्त कार्य में 2 महत्वपूर्ण ब्रिज के लिए निर्माण कार्य हेतु टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें से 1 कंपोजिट गर्डर द्वारा बनाया जाना है, 2 स्पान 12.20 मीटर के, और दूसरा जिस स्थान का आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर 5x18.30 का कंपोजिट गर्डर ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसका कि जो बेस बनाने से संबंधित कार्य है कुछ दिन पूर्व शुरू भी किया जा चुका है। संबंधित निर्माण एजेंसी यहाँ पर काफ़ी तीव्र गति से उक्त दिशा में अग्रसर है। जो यह टेंडर निकाले गए हैं, आगामी 11 जिस दिनांक को टेंडर आवंटित हो जाता है उसके पश्चात में जो संबंधित एजेंसी है उनको बनाकर देने होंगे। और जो अन्य 4 ब्रिज के टेंडर हैं वह दाहोद इंदौर रेलवे लाइन से संबंधित है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण ब्रिज बनाए जाने हैं। पहला ब्रिज की हम बात करें तो गुणावत से धार सेक्शन में यह एक छोटी सी नदी पड़ती है, जिस पर कि 4x18.30 मीटर लंबाई के कंपोजिट गर्डर का ब्रिज बनाए जाने के लिए टेंडर निकाला गया है। और इससे जो धार और गुणावत के बीच के सेक्शन में अन्य छोटे पुल पुलिया भी बनाए जाने हैं, उससे अतिरिक्त यह ब्रिज के निर्माण हेतु टेंडर निकाला गया है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो सागौर गुणावत सेक्शन में चंबल नदी के पास में 2 ब्रिज बनाने हेतु टेंडर निकाले गए हैं, 1x2x18.30 का कंपोजिट गर्डर का, और दूसरा चंबल नदी के ऊपर 6x30.50 कंपोजिट गर्डर का ब्रिज बनाए जाने के लिए टेंडर निकाला। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है और इस पर यह ब्रिज आने वाले जो समय में तैयार हो जाएंगे उस स्थिति में पूरा सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा जो एक अन्य ब्रिज है वह टीही स्टेशन से पीथमपुर टनल के बीच में एक जो पाइपलाइन जाती है उसके ऊपर बनाए जाने संबंधित 76 मीटर लंबाई की एक गर्डर के द्वारा वह ब्रिज बनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो महत्वपूर्ण ब्रिज इस पूरे सेक्शन में बनाए जाने हैं उनके बारे में करीब 77 करोड़ की लागत से यह नया टेंडर निकाला गया है। इससे जो 7 लोकेशन है उन पर मेजर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पूर्व में जो नर्मदा नदी का ब्रिज से संबंधित कार्य था उसके ही आगे के कार्य के लिए यह टेंडर निकाला गया। इसमें जो संबंधित एजेंसी है उनको ब्रिज को असेंबल करना है, लॉन्च करना है, मेटलाइज करना है और उनको अपने जो ढांचा है उस पर चढ़ाने आदि का कार्य इन सभी लोकेशन पर किया जाएगा।
तो और भी जानकारी आगे इन सभी कार्यों की हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।